सात फरवरी से ट्राई द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद से ही केबल ऑपरेटरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई दफा केबल ऑपरेटरों द्वारा रिचार्ज किए जाने के बावजूद कस्टमर द्वारा खरीदे गए पैकेज उसके सेटअप बॉक्स पर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बीते कई दिनों से केबल ऑपरेटर कस्टमर और एमएसओस के बीच पीसे जा रहे थे। ग्राहक अपनी शिकायतें केबल ऑपरेटर्स के पास लेकर जाते थे। केबल ऑपरेटर्स उन समस्या को अपने स्तर पर हल करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब कोई उपाय नहीं हो पाता था तो एमएसओस को अपनी परेशानी बताते थे, लेकिन एमएसओस द्वारा सही समय पर परेशानी दूर न किए जाने से केबल ऑपरेटरों ने जीटीपीएल के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया था। उसके बाद 5 मार्च को जीटीपीएल के आला अधिकारियों ने नागपुर से अमरावती पहुँच वीसीएन केबल संगठन के सभी केबल ऑपरेटरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के सुलझा देने का वादा भी किया गया। लेकिन केबल ऑपरेटरों की मांग है कि उनसे जो अतिरिक्त शुल्क और बेवजह के पैसे वसूले जा रहे हैं उसे तत्काल तौर पर रोका जाए और केबल ऑपरेटरों से जो गलत तरीके से पैसे कंपनियों ने लिए हैं वह भी वापस किए जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा केबल ऑपरेटर्स अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। इसके बाद जीटीपीएल के आला अधिकारियों ने आने वाले 5 दिनों में केबल ऑपरेटरों की सभी समस्याओं को सुलझा देने का वादा किया है। जीटीपीएल के आला अधिकारियों और अमरावती के वीसीएन केबल ऑपरेटर संगठन के ऑपरेटरों के बीच हुई तीखी नोक झोंक का नजारा देखिए। और उसमें कह रहे हैं कि आपसे निवेदन यही है, हमने पिछले बार भी किया था कि एमआर का सिलेक्शन पैक के अलावा बाकी बचे एसटीवी का बंद करवा दिया जाए, अन्यथा हम मार्च के भी पैसे देने में असमर्थ रहेंगे। यही हमें चलते रहना है कि आपने जो मौखिक तौर पर बोला गया था कि 95 130 रुपये में 95 रुपये आपके और 35 रुपये हमारे प्लस जीएसटी, तो सर वो लिखित में हुआ नहीं है, उसका मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है। उसके बाद वेटरों में क्या दिया जाएगा, इसके बाद पहले हमको एनसीएफ मतलब क्या लगाया गया, हम बार बार इनको बोलते कि भाई हमारा अमरावती के अकाउंटेंट शांतनु बोली है, उनको बार बार बोल रहे हैं कि आप हमको ब्यौरा तो दीजिए हमारे कितने पैसे कटे क्या कटे, हमने एक एक कस्टमर के 6-7 दिन अगर एक्टिवेट नहीं हो रहे हमने बार बार किया तो हमारे पैसे कितने कटे, उसके बारे में भी जानकारी होना। केबल ऑपरेटर जीटीपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल ही आप लोगों के साथ काम करने का है। फॉर एग्जांपल हमारे 70 लाख 75 लाख 80 लाख कनेक्शन है, तो उसमें कंपनी के 50,000 भी नहीं जो है वो सब आप लोगों से कनेक्टेड करते हैं और आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ ना मैं उसका कोई इशू बनाना चाहता हूँ। आप लोगों को ये अच्छा मालूम है कि जीटीपीएल की पॉलिसी है वो एनसीओ फ्रेंडली ही है, एनसीओ हेल्प करने के लिए, एनसीओ को सपोर्ट करने के लिए, एनसीओ को कमाई रखने के लिए, अच्छी तरीके से एनसीओ को बड़ा करने की ही पॉलिसी है। आप बहुत मैं बहुत दूसरे किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा मगर आपको ये एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, मगर जाते जाते एक एग्जांपल बता दूंगा। यहाँ पे ही विदर्भ में कुछ ऐसे कंट्रोल रूम्स है कि जिनकी खुद की कनेक्टिविटी ज़्यादा है और उनके एनसीओ का कनेक्टिविटी कम है और उन लोगों ने उन कंपनी ने खुद की कनेक्टिविटी बनाने के चक्कर में ऑपरेटर को कैसा धक्का दिया है, कैसी तकलीफ दी है और ऑपरेटर को उनकी लाइन भेजने में कैसा मजबूर किया है वो मैं बोलना नहीं। ग्रामीण क्षेत्र है 250 पैकेज टाकला सोमवार जी रोटी गरीब आहे ते एफ टी आय किंवा एक दोन चॅनल घेऊ शकेल, तुम्ही 250 70 पॅकेज टाकला कसे देणार आहे पैसे? आता समजा एखादी वस्तू तुम्ही घ्याल काय सांगा? मी पुन्हा एकदा सांगतो असं एक वाक्यात उत्तर देतो, तुमच्याकडे दिलेलं आज 250 किंवा 270 पॅकेज आहे तर तुम्ही कधीही डिलीट करा आणि तुम्हाला पाहिजे ती सर्व्हिस घ्या। या 270 मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, बात कर रहे हो
नॉमिनल पैसा लिया जाएगा, हम देंगे ही नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा लेटर पहले बंद कर दो, अभी मेरी आपको दे दो, ठीक है सुन लिया मैं आपको एक बात कर रहा हूँ। हमारे निवेशक ये खाली फेब्रुवरी के एक महीने के लिए हम लोग ध्यान रख के इतना कट टू कट बात करेंगे या लाइफ टाइम में आपको और कुछ हेल्प चाहिए उस हिसाब से काम करेंगे? आपका जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन का फिगर ले आप वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट से कंफर्म करके इनवॉइस आप देंगे, बिल आप देंगे। समाधान हो मेरे का इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जैसे ही होगा।